नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे इन लेक्चरों में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। ठीक, याद रखिए इतना हम लोग कवर करने के बाद आपका यूपीपीसीएस हो, फिर चाहे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, फिर चाहे समीक्षा अधिकारी हो, यूपी उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी आपका एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम हो, जहाँ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का महत्व है, वो सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए। तो इस समय में हम लोग देखते हैं विषय सूची के हम लोग कितने चैप्टर इसमें देखेंगे। ठीक है, याद रखिए हम लोग एक नई प्लेलिस्ट सूची बनाएंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से। ठीक है, उसी में ये सभी आपके लेक्चर पढ़े रहेंगे। तो हम लोग बात करेंगे पहले उत्तर प्रदेश एक नज़र में, फिर बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, फिर बात करेंगे भौगोलिक सौरों, फिर बात करेंगे जनगणना, फिर देखेंगे हम लोग जनजातियां, फिर हम लोग बात करेंगे कृषि के बारे में उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, फिर देखेंगे हम लोग सिंचाई एवं परियोजनाएं, फिर देखेंगे जलवायु, फिर बात करेंगे हम लोग वन संपदा, फिर देखेंगे खनिज संसाधन, फिर बात करेंगे मृदा शासन, मृदा संसाधन, फिर बात करेंगे परिवहन तथा संचार व्यवस्था, फिर देखेंगे प्रसिद्ध नगर तथा पर्यटन स्थल, फिर नदियां झीलें देखेंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, फिर बात करेंगे ऊर्जा, ऊर्जा संसाधन, फिर आगे देखेंगे पर्यावरण सुरक्षा, फिर बात करेंगे सूचना एवं जनसंपर्क, फिर बात करेंगे सहकारिता एवं श्रम रोजगार, फिर हम लोग उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में संग्रहालय भी देखेंगे, फिर शिक्षा देखेंगे, फिर कल्याणकारी योजनाएं देखेंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, फिर बात करेंगे कला एवं संस्कृति के बारे में, फिर देखेंगे समाचार पत्र पत्रिकाएं उत्तर प्रदेश की, विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी देखेंगे, शासन प्रणाली देखेंगे, प्रमुख उद्योग देखेंगे, प्रमुख खिलाड़ी देखेंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, और उत्तर प्रदेश के जितने भी पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, उन्हें भी देखेंगे, साहित्य के विकास में योगदान देखेंगे उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इतने चैप्टर हम लोग कवर करेंगे इसमें। ठीक है, याद रखना है आपको। तो कल से हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे उत्तर प्रदेश एक नज़र उत्तर प्रदेश पर डालेंगे। ठीक है।